हेलो गाइस, सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भूल भुलैया के पार्ट 3 में। सो चलिए इस पर रिएक्ट करते हैं। रक्तघाट के इतिहास का वो काला सच जहां सिंहासन की लालच में सदियां बीत गई और इस सिंहासन में चुनस रहा अतीत आज भी सिद्धा है। बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है। इन भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए। ओ भाभी, आपके गले में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई। ये शापित है, ये शापित है, ये भी शापित है। अगर सपने पे मेरा बस चलता तो तुम्हारे बारे में कैसे कैसे सपने देखता। बच गया। एक नंबर के थकी हो तुम। है ना, लड़का हूँ। हम तुम्हारी ये बाबा सर्विसेज यूज करवा चाहते हैं। मेरे जीजा जी की बेटी पिछले साल हम सब कुछ छोड़ के इस दुनिया से चली गई। वाओ, आई मीन हाउ? रक्तघाट के सम्राट पधार रहे हैं। मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। जानू, क्या कह रहे थे आप? मेरे संगमरमर की मूर्ति बनानी है? सब छोड़िए, घबराइए मत। आप इस राज्य के राजकुमार हैं, युवराज। कोनो राजकुमार नहीं है। राजकुमार का पा भी नहीं है। राजकुमार में पा कहाँ से आता है? पाखंडी में तो पा आता है। इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र कहीं नहीं था कि अगर ये तूफान था तो प्रलय का आना अभी बाकी है। Anjo, I am coming for you. यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से अंजुलिका कौन है? तो गाइस, ये काफी हॉरर होने वाली है एंड इसमें थोड़ा ह्यूमर ही है। एनी आई थिंक दिवाली पर रिलीज होने वाली है, राइट? तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा सो प्लीज हमें कमेंट में बताएं। एंड इसका दूसरा रिव्यू हमारी छोटी सिस्टर देगी, तो बताइए। तो मैं ये रिव्यू के बारे में कहना चाहूंगी कि इस बार ये रोमांटिक है, हॉरर है और थोड़ी हिस्टोरिकल भी है, तो देखना मत भूलिएगा भूल भुलैया 3। देख, आपने फर्स्ट और सेकंड सीजन तो देखा ही होगा, अब देखते हैं थर्ड वाला कैसा रहता है। और कुछ? सो गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।